हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आपको पहला वीडियो पसंद आया था। तो सिलीगुड़ी टू लाभा वाला जो पहला एपिसोड था वो वहाँ पर खत्म, और ये सेकंड एपिसोड यहाँ से स्टार्ट है। तो अभी हम खड़े हैं लाभा व्यू पॉइंट, ये देखो मेरे पीछे उल्टा है, टेंशन मत लो, यही है, यही लाभा व्यू पॉइंट है। तो अभी हम आगे जाएंगे ऋषभ की तरफ, तो चलिए आगे वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं। हमको यहाँ से अभी ऊपर जाना है। ओह माय गॉडनेस, देखिए अचानक हम कहाँ पहुंच गए, ये तो अलग ही दुनिया मालूम पड़ रही है। बिल्कुल डाउनहिल जैसा है, लगभग लगभग घना जंगल, सनलाइट तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। बरफ, अच्छा एखन तो गले गए। तो गाइस हम अभी ऋषभ पे हैं और ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर बहुत लोग पिकनिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो व्यू पॉइंट है, यहाँ पर एक कंचनजंगा है और उधर से फिर आपका टिफिन है। तो अभी हम पहले कंचनजंगा को देख लेते हैं। चलो जी, तो है पता नहीं आप कितना देख पा रहे हो यहाँ से कंचनजंगा का व्यू, मैं फोन से भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखो कंचनजंगा, यहाँ सुबह आने से मे भी हमें क्लियर पिक्चर मिल सकती है, वाकई बहुत खूबसूरत है। स्लीपिंग बुद्धा का थोड़ा बहुत दिखता है, स्लीपिंग बुद्धा दिख रहा है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं टिफिन धारा व्यू पॉइंट की ओर। तो आप जब इधर आओगे ना तो ये बोर्ड आप ठीक से देख लेना, ये देखिए ये रोड इधर से ऐसे आता है और ये नीचे जो रोड है ये ऋषभ जाता है। तो ऋषभ में कुछ वैसा खास है नहीं, तो ऋषभ में आपको खाली होटल और होम स्टेज मिलेंगे। अगर आपको वहाँ रुकना है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी हम टिफिन धारा व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। ये रहा, हमने वहाँ बाइक पार्क कर दी है उस गाड़ी के आगे, यहाँ से अभी हम व्यू पॉइंट की ओर चलते हैं। और आकाश सर कैसा महसूस हो रहा है पहाड़ों पे वापस आके? पहाड़ी अपना घर है, तो एक छोटी सी ट्रैकिंग टाइप है, चलिए देख लेते हैं। और हमसे 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 एक झूठ बोला गया है, हम लोग जब लाभा में थे, तो सबको बता देता हूँ, हम जब लाभा में थे एक बहुत ही अच्छे सी टाइप के आदमी ने बताया कि वहाँ पर एक म्यूज़ियम मिलता है। तो हम म्यूज़ियम खोजते रहे, हमें म्यूज़ियम मिला नहीं। तो अभी यहाँ दो तीन लोगों ने बताया कि लाभा में कोई म्यूज़ियम है ही नहीं, तो हमारा काटा गया है फिर से। तो चलिए यहाँ टिफिन धारा का आनंद ले लिया जाए। अरे इधर रोड किधर है? वाओ, नहीं टूटा नहीं है, नीचे है। तो यहाँ यहाँ से अगर गिरोगे भी तो कुछ होगा नहीं खास, एकदम बॉडी नहीं, कुछ नहीं होगा, नरम मिट्टी है, बिल्कुल नरम मिट्टी। रास्ता कौन दिखे? ठीक है, थैंक यू। हाँ थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ी दूर और ऊपर चढ़ना है और हम इधर से आए, और ये रहा आकाश, थका हुआ इंसान, इसकी हालत ख़राब है, कितना चढ़ाई है देखा है। तो चलिए आगे मिलते हैं।
सो हम फाइनली पहुंच गए इतनी मुश्किलों के बाद। इधर कुछ भाई लोग टिफिन कर रहे हैं टिफिन धरा पे। सो दिस इज द व्यू पॉइंट। नहीं नहीं तो ये देखिए जिसके लिए इतनी मेहनत करके ऊपर चले द माउंट कंचनजंगा। ये देखिए तो यही है टिफिन धरा व्यू पॉइंट। इधर देखिए इधर का व्यूज देखिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो मजा ही आया चढ़ के। मुझे चढ़ के बहुत मजा आया। आलधारा से भी ज्यादा मजा आया इसमें चढ़ के। तो यही है टिफिन धारा। एक मजेदार बात बताता हूँ, सुन लो। वो जो पहाड़ पे आपको थोड़ा बहुत घर और दिख रहा है ना, वो है पेदुंग। ये बंगाल में ही पड़ता है। उसके बाद जो पहाड़ है वो है सिक्किम। उसके बाद जो पहाड़ है वो है भूटान। और कंचनजंगा जहाँ पर है वो है नेपाल। तो एक साथ इतने सारे एक ही लाइन पे, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंजक्शन है। सो गाइज यही था जो था। तो टिफिन धारा में आपने देखा कुछ ज़्यादा खास उसमें है नहीं, बस एक ऊपर का टीला है और एक छोटा सा बैठने का जगह है जहाँ पर कुछ भाई लोग पार्टी कर रहे थे। तो हम ज़्यादा रुके नहीं, वहाँ पे कंचनजंगा का व्यू पॉइंट था। और ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं तब। हाँ बिल्कुल, ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है हमारा जी। तो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब लास्ट में ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और आगे काम कर सकें। और हम लोगों ने इसके बाद एक अलग सोचा है, देखते हैं कुछ होता है तो हम बताएंगे आपको ज़रूर। आना तो आपके सामने ही है, फिर से जल्द मिलेंगे। चलिए बाय। और कुछ फ़ोटोज़ के साथ आपको छोड़ जाएंगे हर बार की तरह। बाय।